दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी डांसिंग और एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले अभिनेता गोविंदा को भला कौन नहीं जानता होगा। एक दौर ऐसा था जब इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बॉलीवुड को दी। 90 के दशक में इनकी जोड़ी करिश्मा कपूर के साथ काफी लोकप्रिय थी। इन दोनों की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। गोविंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं, जो न सिर्फ अपने अभिनय के लिए बल्कि अपनी डांसिंग और लुक्स के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब गोविंदा के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनकी बेटी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस दमदार अभिनेता के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ था। इन्होंने अपने शुरुआती करियर की पढ़ाई मुंबई से की है। इनके पिता भूतपूर्व अभिनेता अरुण कुमार और माँ एक जानी मानी गायिका और अभिनेत्री हैं, जिनका नाम निर्मला देवी है। ये एक पंजाबी सिंधी परिवार से बिलोंग करते थे। ये भारतीय फिल्म अभिनेता, कॉमेडियन और पूर्व राजनेता भी रह चुके हैं, जो हिंदी फिल्मों में अपने बेहतरीन कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। गोविंदा अपनी अनोखी डांसिंग के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 1986 की फिल्म अंजाम से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था और इस फिल्म में इनके अभिनय को काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिसके बाद इन्हें राजा बाबू, सैंडविच और हीरो नंबर 1 जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। ये फिल्में इनके करियर की हिट फिल्में मानी जाती हैं। आपको बता दें कि ये अब तक तकरीबन 165 हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी दमदार कॉमेडी और अभिनय के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और ये न सिर्फ अपने अभिनय के लिए बल्कि अपने डांसिंग के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार डांसर की बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम टीना आहूजा है। ये रागिनी खन्ना और कृष्णा अभिषेक की बहन है। इनका जन्म 10 जुलाई 1989 को हुआ था। साथ ही ये अभिनेत्री सेकेंड हैंड हस्बैंड से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर चुकी हैं। इस फिल्म से इन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने जिंदगी का रहस्य नामक फिल्म में काम किया। इस फिल्म में ये पूनम का किरदार निभाते हुए नजर आई थीं, पर इस फिल्म के बाद इन्हें किसी और फिल्म में नहीं देखा गया। लेकिन अगर बात की जाए इनकी खूबसूरती की, तो खूबसूरती के मामले में ये किसी से कम नहीं है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको गोविंदा की बेटी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।